चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 10। इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 12, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 12, तो इसमें tan थीटा इक्वल टू होगा 12/5, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो अब हम लेट लेंगे पी इक्वल टू 12K और बी इक्वल टू 5K, तो हमें एच फाइंड करना है इसमें। तो एच इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इक्वल टू 12K होल स्क्वायर प्लस 5K होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू रूट अंडर 144K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर, सो 169K स्क्वायर इक्वल टू 13K। तो इससे हम cos थीटा और sin थीटा निकाल देंगे। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी ओपन एच, बी की वैल्यू 5K ओपन 13K, के से के कैंसिल 5/13, और sin थीटा इक्वल टू होगा पी ओपन एच 12K/13K, के से के कैंसिल, सो 12/13, सो देयरफॉर 2 cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम इसमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये होगा 2 × 5/13 प्लस 12/13 अपॉन 12/13 माइनस 5/13, सो इक्वल टू 10/13 प्लस 12/13 अपॉन 12/13 माइनस 5/13 इक्वल टू, अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा और ये 10 + 12 होगा, और इस पर भी एलसीएम 13 से 13 कैंसिल हो गया 10 और 22/7, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम इसे अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करते हैं। अल्टरनेट मेथड, यहाँ पे 5 tan theta इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो अगर आप इससे 10 theta निकालोगे तो ये हो जाएगा 12/5, और हमें फाइंड क्या करना है, सो देयरफॉर 2 cos theta प्लस sin theta अपॉन sin theta माइनस cos theta, ये हमें फाइंड करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, सो इज इक्वल टू, तो ये होगा 2 cos theta प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम इसको पार्ट वाइज अगर सेपरेट करते हैं तो ये होगा 2 cos theta अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये cos से cos कैंसिल हो गया और यहाँ भी कैंसिल हो गई, सो इज इक्वल टू 2 + sin अपॉन cos के प्लेस पे 10 होगा, और ये होगा 10 theta माइनस 1, और अब हम 10 theta की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 12/5, सो इज इक्वल टू 2 + 12/5 / 12/5 - 1,
सो इज इक्वल टू, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये होगा 5 और ये हो गया 10 प्लस 12, और दूसरे वाले पे भी एलसीएम 5 होगा, ये 12 माइनस 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 22 अपॉन और 12 में 5 जाएगा तो 7, सो 22 अपॉन 7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।